नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले हिजाब विवाद मामले में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आया है। याचिका में कहा गया है कि कुछ पार्टियां इस मुद्दे को हवा देकर चुनाव में फायदा उठाना चाहती हैं। इसलिए इस मामले में 6 मुस्लिम छात्राओं की तरफ से एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए मामला राजनीतिक रंग ले रहा है और इसी वजह से छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अपील की गई है कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में 3 मार्च के बाद ही सुनवाई हो। वहीं कर्नाटक में कुछ स्थानों पर लड़कियों ने प्री परीक्षाओं का बहिष्कार किया है, क्योंकि छात्राओं को स्कूल में प्रवेश करने से पहले हिजाब हटाने के लिए कहा गया और छात्राओं ने इनकार कर दिया और परीक्षा का बहिष्कार किया। तो वहीं अभिभावक ही विवाद के बीच बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। इन सब के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। शिवमोगा शहर के कर्नाटक पब्लिक स्कूल में कई छात्राओं ने कक्षा 10वीं की प्रारंभिक परीक्षा का बहिष्कार किया है। वहीं उडुपी के पकीर नगर में कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। उधर उडुपी जिले के ही कापू तालुक के सरकारी उर्दू स्कूल पाकिर नगर के मामले को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बैठक चल रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि हिजाब विवाद में क्या नया मोड़ सामने आता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।